हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। नेक्स्ट टॉपिक है आव्यूह के सहखंडज अर्थात एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब किसी भी आव्यूह का सहखंडज कैसे ज्ञात करना है, तो एक चीज पहले यहां बता दूं, सहखंड और सहखंडज में थोड़ा सा अंतर होता है। सहखंड में हम आव्यूह के सभी एलिमेंट का अलग अलग कोफैक्टर ज्ञात करते हैं, और जो सहखंडज होता है उन सभी कोफैक्टर को एक मैट्रिक्स के रूप में व्यवस्थित करके उसका ट्रांसपोज कर दिया जाता है, अर्थात उसे परिवर्त कर दिया जाएगा। तो जो यह मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह उस मैट्रिक्स का सहखंडज कहलाता है। अब जैसे कोई मैट्रिक्स है ए बराबर ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। अब इस दिए गए आव्यूह के सभी एलिमेंट के सगुणनखंड या सखंड ज्ञात कर लेते हैं, तो उसको आव्यूह के रूप में व्यवस्थित करते हैं, तो सी आई जे इक्वल टू सी वन वन, सी वन टू, सी वन थ्री, सी टू वन, सी टू टू, सी टू थ्री, देन सी थ्री वन, सी थ्री टू, सी थ्री थ्री। अब इस सखंड का ट्रांसपोज कर दें तो वो हो जाएगा ए डी जे ऑफ ए इक्वल टू सी आई जे का ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज कर देते हैं तो इसके रो को कॉलम में बदल देते हैं या फिर कॉलम को रो में बदल दिया जाए, तो हमारा प्राप्त होता है सी वन वन, सी टू वन, सी थ्री वन, सी वन टू, सी टू टू, सी थ्री टू, सी वन थ्री, सी टू थ्री, सी थ्री थ्री। ये जो हमारा मैट्रिक्स होगा वो ए डी जे अर्थात एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए प्राप्त होता है। अब इसके एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसे कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे कोई मैट्रिक्स ए बराबर दिया है वन जीरो माइनस वन, थ्री फोर फाइव, जीरो माइनस सिक्स, माइनस सेवन, और ए डी जे ऑफ ए ज्ञात करना है। तो ए डी जे ऑफ ए निकालने के लिए सभी के कोफैक्टर निकालने होंगे सी वन वन। सी वन वन निकालने के लिए माइनस वन के पावर वन प्लस वन, माइनर ऑफ वन यानी फोर फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन। अब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा प्लस वन इंटू माइनस अट्ठाईस प्लस तीस, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा प्लस टू। उसी तरीके से सी वन टू निकालते हैं माइनस वन के पावर वन प्लस टू, सी वन टू निकालेंगे तो जाएगा थ्री फाइव जीरो माइनस सेवन, माइनर वन टू का मान यहां पर रख दिया गया है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो माइनस वन के पावर थ्री अर्थात माइनस वन इंटू माइनस ट्वेंटी वन माइनस जीरो अर्थात प्लस इक्कीस। उसी तरीके से सी वन थ्री निकालते हैं तो जाएगा माइनस वन के पावर वन प्लस थ्री, और माइनर ऑफ वन थ्री का हो जाएगा थ्री फोर जीरो माइनस सिक्स,
अर्थात माइनस वन के पावर सम संख्या आ गया तो प्लस वन। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो माइनस 18 प्लस 0 हो जाएगा माइनस 18। उसी तरीके से सी 21 निकालते हैं। सी 21 निकालने के लिए माइनस वन के पावर 2 प्लस 1 और माइनर ऑफ 21, माइनर ऑफ 21 का मान निकालेंगे तो जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7। सॉल्व करेंगे तो जाएगा माइनस 1 इंटू 0 माइनस 6। सॉल्व कर देंगे तो प्लस 6 आ जाएगा। इसी तरह सी 22 निकालते हैं। सी 22 का मान हो जाएगा माइनस 1 के पावर 2 प्लस 2 माइनर ऑफ 22 तो हो जाएगा 1 माइनस 1 0 माइनस 7। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 1 इंटू माइनस 7 प्लस 0 इक्वल टू माइनस 7। उसी तरीके से C23 निकालने के लिए माइनस 1 के पावर 2 प्लस 3 करेंगे, माइनर ऑफ 23 लेंगे। माइनर ऑफ 23 अगर लेते हैं तो हमारा मिलता है 1 0 0 माइनस 6। सॉल्व कर देंगे तो माइनस 1 इंटू माइनस 6 माइनस 0 तो जाएगा प्लस 6। उसी तरह C31 माइनस 1 के पावर 3 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 1 4 5। सॉल्व कर देंगे तो जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 4। सॉल्व कर देंगे तो 4 मिलेगा। C32 निकालेंगे, माइनस 1 के पावर 3 प्लस 2 तो जाएगा 1 माइनस 1 3 5। सॉल्व कर देंगे तो माइनस 1 इंटू 5 प्लस 3 अर्थात माइनस 8। C33 माइनस 1 के पावर 3 प्लस 3 1 0 3 4। सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 1 इंटू 4 माइनस 0 अर्थात 4। अब इसे आव्यूह के रूप में लिख देते हैं CIJ अर्थात C11। C11 का मान आया है 2, C12 का मान आया है 21 और C13 का मान माइनस 18, C21 का मान आया है प्लस 6, C22 का आया है माइनस 7, C23 का मान है प्लस 6, C31 का मान है 4, C32 का मान है माइनस 8 और C33 का मान है 4। अब हमें ADJ निकालना है तो ADJ ऑफ A इक्वल टू CIJ का ट्रांसपोज कर देते हैं। अब CIJ जो हमारा मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज कर दे, यानी रो को कॉलम में बदल दे, तो हमारा हो जाएगा 221 माइनस 18। उसी तरीके से 6 माइनस 7 प्लस 6 4 माइनस 8 4। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम या प्रतिलोम इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब किसी दिए गए वर्ग आव्यूह का इनवर्स अर्थात प्रतिलोम कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके लिए किसी दिए गए वर्ग आव्यूह के प्रतिलोम को ज्ञात करने के लिए पहले उस वर्ग आव्यूह के सखंडज को ज्ञात करते हैं।
जैसे इससे पहले मैंने जो बताया था, कोई वर्ग आव्यूह है a बराबर 1, 0, -1, 3, 4, 5, 0, -6, -7, इसका हम ADJ निकाले थे। अब यहाँ पे हमें प्रतिलोम निकालना है। प्रतिलोम का सिंबल होता है इनवर्स, यानी a इनवर्स हमें ज्ञात करना है, यानी a के पावर -1 ज्ञात करना है। तो इस आव्यूह के सखंडज को ज्ञात करते हैं। सखंडज इससे पहले मैंने आपको बताया कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सभी सखंडज को ज्ञात करके हम ADJ ऑफ A निकाल लिए। अब ADJ ऑफ A निकालने के बाद इस दिए गए आव्यूह के मान को ज्ञात करते हैं। तो मान को ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र है A11C11 प्लस A12C12 प्लस A13C13। अब A11 का मान है 1 इंटू C11 का मान निकालें 2 प्लस A12 का मान है 0 इंटू C12 का मान है 21 प्लस A13 का मान है -1 इंटू C13 का मान निकाले हैं -18। अब इनका गुणा करके जोड़ देते हैं तो 2 प्लस 0 प्लस 18 सॉल्व कर देंगे तो 20। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि यदि मॉड ऑफ a इज इक्वल टू 0 होगा हो तो a इनवर्स आप नहीं ज्ञात कर सकते हैं, a इनवर्स असंभव। अब जो है यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है अर्थात 20 आया है, तो a इनवर्स इक्वल टू होता है ADJ ऑफ a बटे मॉड ऑफ a। अब ADJ ऑफ a का मान हम निकाल चुके हैं, ये है। अब उसमें 20 से भाग देना होगा, अतः a इनवर्स बराबर हो जाएगा 1 अपॉन मॉड ऑफ a की वैल्यू है 20, अर्थात मॉड ऑफ a की वैल्यू जो हमारा है 20 के इक्वल है वो रख दिए, और ADJ ऑफ a का मान हम निकाले हैं ये 2, 6, 4, 21, -7, -8, -18, 6, 4, ये हमारा आंसर है। तो a इनवर्स निकालने के लिए आपका ये प्रोसीजर है। तो दिए गए मैट्रिक्स का a इनवर्स यह ज्ञात कर लिए हम। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जो चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले तथा लाइक शेयर एवं कमेंट करना ना भूलें।